पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान ईओयू के सामने कई अहम पर्दाफाश किए। चिंटू ने बताया कि रॉकी नाम के एक आरोपी से उसे पेपर मिले। वहीं चिंटू जिस झुन्नू के घर से गिरफ्तार हुआ वहां से एक डायरी मिली जिसमें नीट पेपर लीक का पूरा हिसाब किताब भी मौजूद है। नीट पेपर लीक कांड में जांच टीम को मिला सबसे बड़ा सबूत। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को हर दिन गुनहगारों से जुड़े एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जांच टीम ईओयू के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसमें आरोपियों के गुनाहों की एक एक लाइन साफ साफ लिखी है। ये सबूत है एक डायरी। जी हाँ, झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान मिली इस डायरी में हैंडराइटिंग काफी खराब होने और जैसे तैसे लिखे होने की वजह से जांच एजेंसी को समझ पाने में दिक्कत हुई, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो उस डायरी में पढ़ पाया उससे कई हैरान करने वाले पर्दाफाश हुए। इस डायरी में आरोपी चिंटू समेत अन्य कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है, यानी पेपर लीक से जुड़े किरदारों की पूरी कुंडली इस डायरी में लिखी है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उसे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर लीक की जानकारी लिखी हुई है। नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। इस बीच नीट पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान कई अहम पर्दाफाश भी किए। चिंटू ने जांच टीम को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, कितने में डील हुई थी। चिंटू ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर की कॉपी रॉकी ने भेजा था, जिसके बाद उसने पटना के खेमनीचक में लर्न प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए वाईफाई प्रिंटर की मदद से उसने पेपर की 10 से 15 कॉपी तैयार किए। यानी नीट पेपर लीक की कलंक कथा में रॉकी नाम के आरोपी की अहम भूमिका सामने आई। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इस बीच ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था, इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया था। रॉकी पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी को मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसा कमा सकें। चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को भी पेपर भेजे थे। साजिश को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदा था। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और सेटर नीतीश कुमार और अमित आनंद के अलावा दूसरे आरोपियों से बात करता था, लेकिन जब सिकंदर और बाकी पकड़े गए तो चिंटू ने सिम तोड़कर एनआईटी घाट पर फेंक दिया था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक कांड के किरदारों में एक नाम और जुड़ गया, वो नाम है मनीष का। जांच टीम के मुताबिक मनीष ही वो शख्स है जो अभ्यर्थियों को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। यही क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था।
न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है अभी मनीष के घर पर। मनीष यहीं पे पटना के अलकापुरी इलाके में रहता है और यही वो घर है, उसकी पत्नी घर में मौजूद है। और अब से थोड़ी देर पहले जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मनीष पटना में मौजूद हैं और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ये घर है मनीष, इनकी पत्नी घर में मौजूद हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि उनका पति जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आया है कि मनीष भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह से मनीष को सहयोग, मनीष सहयोग करेंगे। हाँ सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। चार मई की उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनी चक के सेल्टर में रखे हुए थे जहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोप जितने संगीन हैं, उतनी ही तत्परता से बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं, हर दिन एक नए किरदार की भूमिका भी सामने आ रही है। केरल से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। हाथी सफारी सेंटर में एक हाथी को